मगरमच्छ को पानी के अंदर सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है, जो जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर का भी शिकार कर लेता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि पानी के शहंशाह कहे जाने वाले सबसे खतरनाक शिकारी मगरमच्छ का शिकार पानी में ही हो जाए? जी हाँ, पानी में राज करने वाले मगरमच्छ का शिकार वो भी उसी पानी में जिस पर वह राज करता है। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, मगरमच्छ एक खतरनाक जानवर है जो पानी में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और खास तौर पर तब जब वह भूखा हो। दोस्तों, मगर अपने शिकार पर बिजली की तरह टूट पड़ता है। जब तक शिकार को समझ में आए तब तक वह मगर के मजबूत जबड़ों की पकड़ में होता है। दोस्तों, मगर के जबड़े में 24 नुकीले और मजबूत दांत होते हैं, जिससे वह 3700 PSI के दबाव से अपने शिकार को दबोचता है, जिससे शिकार की हड्डियों का भी चूरा हो जाता है। लेकिन जब मगरमच्छ भूखा होता है तो वह दूसरे मगरमच्छों का भी शिकार करके उसे निगलता दिखाई दिया है। दोस्तों, मगरमच्छ शिकार के चक्कर में भी कई बार अपने साथी मगरमच्छों को चबा लेता है और कई बार अपने से छोटे मगरमच्छों को भी अपना भोजन बना लेता है। दोस्तों, मगरमच्छ के अलावा पानी में एक और जानवर राज करता है, जो आकार में 10 फीट से 14 फीट तक और वजन में 1.5 से 4 टन तक होता है। दोस्तों, यह जानवर पानी में झुंड बनाकर रहते हैं और बड़े ही आक्रामक होते हैं। खतरा महसूस करते ही यह हमला करने में जरा सी भी देर नहीं करते। दोस्तों, हिप्पो के जबड़े में लगभग 50 सेंटीमीटर लंबे लंबे दांत होते हैं। यह अपने मजबूत जबड़े और दांतों की मदद से किसी को भी चीर सकते हैं। इसके झुंड में 30 से 40 हिप्पो एक साथ रह सकते हैं। दोस्तों, हिप्पो के इलाके में यदि कोई मगरमच्छ आ जाता है तो हिप्पो उसका क्या हाल करता है, यह आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वहीं हिप्पो को दूसरे जानवरों की मदद करते भी कई बार देखा गया है। वैसे तो हिप्पो शाकाहारी जानवर है, लेकिन उसे गुस्सा आ जाए तो वह बेहद ही आक्रामक हो जाता है। जैसा कि इस वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि हिप्पो वोट की आवाज से इतना गुस्सा हो गया कि वह वोट पर हमला करने के लिए वोट का पीछा करने लगा। वहीं इसके इलाके में अगर कोई शिकारी शिकार करता है तो हिप्पो दूसरे जानवरों की रक्षा के लिए आगे आते दिखाई देता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक मगरमच्छ ने कैसे एक वाइल्ड बीस्ट को अपना भोजन बनाने के लिए पकड़ लिया, लेकिन किस तरह से हिप्पो ने आकर उस मगरमच्छ को सबक सिखाया और वाइल्ड बीस्ट को बचा लिया। दोस्तों, एक और ऐसी ही वीडियो क्लिप है जिसमें जंगली कुत्तों ने एक हिरण को शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन हिप्पो ने आगे आकर कैसे उस हिरण को बचाया आप देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।